हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वीज एंड आईज की करेंट अफेयर्स। ये आपकी दिसंबर मंथ की करेंट अफेयर्स है और इसमें हम लोग काफ़ी सेक्शंस को कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा इन्वायरमेंट सेक्शन चल रहा है। तो आई होप कि मैं सारी लेसन्स को, सारी टॉपिक्स को यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स है इस बार इन्वायरमेंट में। ओके, तो ये थर्ड पार्ट हो गई आपकी, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑलरेडी अपलोड है, तो आप वो भी देख लो। ओके, तो जितनी भी आपकी सेक्शन कंप्लीट हो गई, मैं सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आपको अगर वीज़ एंड आईएएस की इंग्लिश में लेक्चर चाहिए तो आपको मुझे अन अकेडमी में फॉलो करनी होगी, और उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। ओके, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना, मे बी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल कोर्सेज होंगे वहाँ। मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे कोर्सेज बनाती हूँ, यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल में भी मेरी डिफरेंट दिखेगी और इससे हट के आपको अन अकेडमी में भी दिखेगी, तो मे बी आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप मुझे वहाँ पर एक बार फॉलो करके देखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के लेसन। तो अप टू 5.8 तक हम लोग देख चुके थे, ये 5.9 है, एसिएटिक लाइन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ओके, सो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था ये देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि है एसिएटिक लाइन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जिसका एम है कि वो प्रोटेक्ट करना चाहते, कंजर्व करना चाहते वर्ल्ड्स की जितनी अब लार्जेस्ट, ओके, लास्ट रेंजिंग फ्री पॉपुलेशन जो बची है एसिएटिक लाइन्स की, और इनसे एसोसिएटेड जो भी इकोसिस्टम बचा है उनको कंजर्व और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, इसका मेन एम है इस प्रोजेक्ट का। तो अब कुछ हम लोग पहले देखते हैं कि एसिटिक लाइन होते कौन से। तो एसिटिक लाइंस जो है वो पैंथरा लियो पर्सिका, ओके, इनको लिस्ट किया गया है स्केड्यूल वन जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट 1972 की है, और यहाँ पे अपेंडिक्स वन में जो साइट्स की है उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। अगर IUCN लिस्ट की तरफ देखें तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। IUCN एक आपका रेड डेटा बुक पब्लिश करती है जिसमें कि जो भी स्पेसिस होती है उनकी कैटेगरी, उनको पॉपुलेशन के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। अगर किसी स्पेसिस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है और एकदम एक्सटिंक्ट होने वाली है, यानी ख़त्म होने वाली है, तो उसको क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी देते। अगर किसी की पॉपुलेशन जो है, कोई स्पेसिस की पॉपुलेशन कम हो गई है, मीन्स आपका 30% से भी कम हो गई है, तो उसको हम लोग इंडेंजर्ड कैटेगरी में देते, और अगर कुछ बच गई है तो वल्नरेबल कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से काफ़ी कैटेगरी है आपको IUCN रेड डेटा बुक में देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से हम लोग इस पर चलते हैं, फोकस करते है। तो गवर्नमेंट देखती है कि कौन सी ऐसी स्पेसीज है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है एक न्यू प्रोजेक्ट लेकर आती है ताकि जितनी भी बची हुई उनकी स्पेसीज है ना, उनको हम लोग और बचा सके, उनसे हम लोग उनकी पॉपुलेशंस को इंक्रीज कर सके। ओके, उन पे स्पेशल फोकस डाल सके। तो जो लायन है वो आपको 5 पैंथरीन कैट्स में देखने को मिलेगी जो कि आज के डेट में इंडिया में भी है, साथ में बंगाल टाइगर भी है, इंडियन लेपर्ड हो गई, स्नो लेपर्ड हो गई, क्लाउडेड लेपर्ड हो गई। उनकी पॉपुलेशंस जो है लिमिटेड है सिर्फ 5 प्रोटेक्टेड एरिया में, यानी गुजरात जहाँ आपको गिर नेशनल पार्क है, गिर सेंचुरी है, पानिया सेंचुरी है, मिथियाला सेंचुरी है और गिरनार सेंचुरी है। यहाँ पे इनकी जो पॉपुलेशंस है वो लिमिटेड है। और अगर कुछ रिमेन्स देखें तो वो लायंस की जो खुद की घर है, यानी 5 साल जो इंडियाज के टॉप कोट होंगे तो वहाँ पे इनको एलोकेट किया जाएगा। एशियाटिक वर्सेस अफ्रीकन लायन की तरफ देखें कि एशियाटिक यानी जो एशिया में पाई जाती है, एशिया यानी हमारा इंडिया भी एशिया में इंक्लूड है, और अफ्रीकन लायन जो अफ्रीका में पाई जाती है। ओके, तो इन दोनों के बीच में कंपेरिजन देखते हैं। सबसे पहला साइज, तो एसिएटिक लाइंस जो है वो स्मॉलर होती है अफ्रीकन लाइंस के कंपैरिजन में। एडल्ट जो बड़ी एसिएटिक लाइंस मेल्स होती है वो टिपिकली वेट उनका कितना होता है, तो 350 से 420 पाउंड। लेकिन अगर वहीं अफ्रीकन एडल्ट मेल्स में देखें तो यहाँ उनकी 330 से 500 पाउंड वेट भी होती है, यानी वेट भी ज़्यादा होती है, साइज़ भी ज़्यादा होती है अफ्रीकन लाइंस की। अब अगर हम लोग मेन में देखें तो यानी यहाँ पर अफ्रीकन लाइंस जो है वो आपका मेल एसिएटिक लाइंस रिलेटिवली शॉर्ट है, यानी स्पार्स मेन है। ओके, उनकी जो आपकी शेप एंड साइज है वो भी छोटी है। स्किन फोल्ड की बात करें तो मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक जो एसिएटिक लाइन की है वो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन है, यानी वो बहुत ज़्यादा ही अपने स्किन को फोल्ड कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। ओके, फ्लेक्सिबल स्किन है आपको देखने को मिलेगा एसिएटिक लाइन की। लेकिन इसी के कंपैरिजन में देखें तो अफ्रीकन लाइन्स की जो स्किन है ना वो ज़्यादा फोल्ड नहीं होती, ज़्यादा बेंड नहीं होती है। ओके, प्राइड साइज में देखें तो यहाँ पर अफ्रीकन लाइन्स जो है एसिएटिक लाइन्स वो हाईली सोशलेबल है और सोशल यूनिट्स में वो रहती है, यानी प्राइड्स में रहती है, यानी एसिएटिक लाइंस जो है उनको एकदम आइसोलेटेड नहीं रखा जाता है, वो हमारे साथ मीन सोशल लाइफ में रह सकती है, यानी किसी जू में रह सकती है, किसी सेंचुरी में, किसी नेशनल पार्क में रख सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग देखें तो ऐसा अफ्रीकन लाइंस के साथ नहीं है, अफ्रीकन लाइंस को बहुत ही अलग रखा जाता है। एसिएटिक प्राइड्स की बात करें तो ये स्मॉलर होती है अफ्रीकन काउंटर पार्ट से रिलेटेड। ओके, यानी अफ्रीकन लाइंस से रिलेटेड जो है एसिएटिक प्राइड्स जो है वो छोटी होती है।
तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख ली एसिटिक वर्सेस अफ्रीकन अलायंस के बीच में। अब कुछ बैकग्राउंड देखते हैं। तो एसिटिक लाइंस जो है वो आपका रेंज हुआ था ईरान से लेकर प्लामो यानी ईस्ट इंडिया की बात करें तो, और उसके बाद अगर सिंगल पॉपुलेशन देखें तो 50 लाइंस से भी कम बची है गिर फॉरेस्ट जो आपको देखने को मिलेगा गुजरात में है, और ये 1890s की ही डेटा है यानी इसमें 50 लाइंस से भी कम है। अभी रिसेंटली बात करें तो 23 लाइंस जो है वो डेड हो गए थे 20 डेज के विदिन, यानी यहाँ पर आपको कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण और टिक बॉर्न सीओसिस के कारण जो है काफ़ी यहाँ पे लाइंस जो है डेड हो गए थे। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये फंडेड किया जा रहा आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है यानी सेंटर के द्वारा इसमें पब्लिश इसको फंड किया जाएगा, और यहाँ पे जो है डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स वो कंट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, तो 60-40 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंटर्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम दो तरीके का फंड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम होती है। तो जो सेंट्रली होती है ना इसमें क्या है कि कुछ रेशियोज आपके सेंटर से आते हैं, कुछ रेशियो ऑफ फंड आपके स्टेट से आते हैं, लेकिन जो सेंटर्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो कम्प्लीटली आपके सेंटर से आते हैं। टोटल फंड जो 100% फंड होती है वो सेंटर प्रोवाइड करती है। ओके तो ये जो आपकी एसेटिक प्रोजेक्ट है ये इसमें आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी यहाँ पे एलोकेट किया गया कि 60% जो फंड है वो सेंटर देगी, 40% जो फंड है वो स्टेट देगी। ओके और ये जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ है ये काफ़ी मैनर में आपको देखने को मिलेगा कि इससे हैबिटेट इम्प्रूव होंगे, यानी जहाँ पे ये एसेटिक लायन रहते हैं उनकी जो रहने सहने की जगह है वो थोड़ी इम्प्रूव हो पाएगी। साइंटिफिक इंटरवेंशंस ज़्यादा होगा, यहाँ पे जो डिजीज़ बढ़ रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जाएगा, वेटनरी केयर दिया जाएगा, जितने भी एनिमल्स होते हैं उसको वेटनरी केयर दिया जाता है, तो लायंस को भी काफ़ी केयर दिया जाएगा। ओके तो ये सारी चीज़ें किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ये है टाइगर कंजर्वेशन। अभी हम लोग देखे थे लायन, अब है टाइगर। ओके तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पहले देख लेते हैं, नहीं पहले हम लोग देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों थे, क्योंकि रिसेंटली एक न्यू स्टडी निकल कर आई WWF। ओके वो वाली WWF नहीं, ये आपकी वर्ल्ड वाइड फंड है जो नेचर के लिए अपना कुछ ऑब्जर्वेशन देती है। तो उन्होंने पाया कि अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस में टाइगर की जो नंबर है ना वो ट्रिपल हो गई है 18 साइट्स में, अगर हम लोग वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो, और 8 इसमें इंडिया में है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग नंबर देख रहे हैं तो टाइगर की नंबर बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है। कुछ और स्टडी में देखे जो कि रिसर्चर्स के द्वारा किया गया है, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है स्नो कैप्ड रीजन में जो कि ईस्टर्न हिमालय में है, और अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो 4000 मीटर जो कि दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पर आपका रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, इंडियन टाइगर बोले या फिर रॉयल बंगाल टाइगर बोले या फिर पैंथर और टिग्रिस बोले, ये सारी सब स्पीसीज है जो कि इंडिया में पाई जाती है। अगर कंजर्वेशन स्टेटस देखी टाइगर का तो IUCN जो रेड लिस्ट है इसमें इंडेंजर्ड दिया गया है। इसकी जो इंक्लूशंस है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्कीड्यूल 1 में, साइट्स के देखें तो यहाँ पे अपेंडिक्स 1 में, और जो टाइगर रिजर्व है वो कंस्टिट्यूट किया गया है आपका कोर और बफर स्ट्रेटजी में, यानी जो कोर एरिया है वो आपका लीगल स्टेटस है किसी भी नेशनल पार्क और सेंचुरी का, और जो बफर और पेरिफेरल एरिया है ना वो उसमें आपको फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, नॉन फॉरेस्ट लैंड भी देखने को मिलेंगे, और कुछ मल्टीपल यूज़ एरिया के द्वारा उसको मैनेज भी किया जाता है। इंडिया में 70% आपको ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, और टाइगर जो है वो अम्ब्रेला स्पीसीज है हमारे यहाँ, और हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर जो है वो कर्नाटका में है, उसके बाद उत्तराखंड में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसको आपको पता होना चाहिए। अब कुछ और देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों थी, तो ये न्यू असेसमेंट जो है ये गाइड करेगी जिसके थ्रू हम लोग टाइगर को रिकवर कर पाएंगे ग्लोबली। ओके यानी वर्ल्ड वाइड हम लोग इसको रिकवर कर पाएंगे, और जो प्रेजेंस है बिग कैट की, टाइगर को हम लोग बिग कैट भी कहते हैं, दिबांग वैली में यानी जो आपका अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे टाइगर रिजर्व जो नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे जो पीपल्स है ना वो एग्जिस्ट कर पाते हैं टाइगर के साथ, एनिमल्स के साथ वो रहते भी है। ओके अरुणाचल प्रदेश में। तो अब देखते हैं कि थ्रेट्स क्या क्या है टाइगर पॉपुलेशंस का इंडिया में। सबसे पहली चीज़ है हैबिटेट लॉस, यानी वो लोग जहाँ रह रहे हैं वो जगह कम हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है। ओके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण क्या हो रही है कि जो टाइगर की रहने की जगह है उसको काट दिया जा रहा है, उसको हटा दिया जा रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट की काम चल रही है तो टाइगर को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है। फॉरेस्ट फायर और फ्लड, फॉरेस्ट फायर देखते हैं कि हम लोग आग जंगल में आग लग जाती है, इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कारण जो है ऑटोमेटिक फॉरेस्ट फायर हो जाती है, तो फॉरेस्ट में भी बहुत सारे टाइगर रहते हैं, तो फॉरेस्ट फायर होने के कारण क्या होता है कि टाइगर को वहाँ से हटके दूसरी जगह जाना पड़ता है। फ्लड भी एक अलग ही सिचुएशन है, इसमें क्या होती है कि पानी पूरी भर जाती है, फ्लड में आपको देखने को मिलेगा कि पूरी वाटरिंग हो जाती है वो जगह, तो उसके कारण भी मजबूरन जो है टाइगर को डिस्प्लेस होना पड़ता है। नेशनल हाईवे की बात करें तो ये भी आपको टाइगर रिजर्व से ही पास होते हुए दिखेगी, काफ़ी ऐसी नेशनल हाईवे है हमारे इंडिया में जो आपको टाइगर रिजर्व से पास होते हुए देखने को मिलती है, तो इससे क्या होता है ना कि हैबिटेट जो है वो फ्रेगमेंट हो जाता है यानी अलग अलग हो जाता है,
पोचिंग, पोचिंग मीन्स अगर यहाँ पे देखें तो टाइगर को इलीगली हंट किया जाता है, मारा जाता है, क्योंकि इनकी जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है और जो डेकोरेटिव वर्ड है ना, यानी जो टाइगर के जो ऊपरी पार्ट का जो छल्ला होता है, यानी उनकी जो कवर होती है ना, उसका काफ़ी ट्रेड होता है और उनकी काफ़ी डिमांड है मार्केट में। तो उसके लिए क्या होता है कि इलीगल इनको हंट किया जाता है। एक्चुअली इनको हंट करना यहाँ पर लीगल नहीं है इंडिया में। आप अगर टाइगर को मारते हो तो आपके ऊपर पनिशमेंट भी लगती है, ओके। लेकिन अगर टाइगर को इलीगली मार के इस तरीके से इलीगल ट्रेड भी किया जाता है, जस्ट बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखें तो यहाँ पे इंसिडेंट काफ़ी बढ़ रही है ह्यूमन और टाइगर कॉन्फ्लिक्ट के कारण, जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा बड़ी चैलेंजेस है। इन ब्रीडिंग ऑफ टाइगर स्पीसीज देखें जो कि मेजर कंसर्न है, इट मीन्स कि इन ब्रीड एनिमल्स, यानी यहाँ पे जो है काफ़ी डिफेक्ट्स देखने को मिल रहा है, क्रिपलिंग डिफेक्ट्स या फिर लैक ऑफ कैपेसिटी, जिनके कारण वो एडॉप्ट और साइकोलॉजिकल इश्यूज से वो गुजर रहे हैं, यानी टाइगर स्पीसीज को काफ़ी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही है। अगर टाइगर रिजर्व्स हम अपने इंडिया में देखें तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो काफ़ी टाइगर रिजर्व्स है। अगर यहाँ पे उत्तराखंड की बात करें तो राजा जी है, कॉर्बेट है, ओके। आप जिस एरिया में रह सकते हो उस एरिया में आप सर्च कर सकते हो कि आपके एरिया में, आपके स्टेट में कितनी टाइगर रिजर्व्स है, ओके। तो ये आपके लिए टास्क है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप वहाँ पे सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। और आपको इससे पता भी चलेगा, जो लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, आपको उनका भी आंसर पढ़ने में आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस स्टेट में ऐसे ऐसे भी है, और आप अपने स्टेट का भी बता सकते हो, ओके। तो ये आपके लिए टास्क है, आप इतनी तो कोशिश कर ही सकते हो। आपको पता भी होना चाहिए कि आपके कंट्री में, आपके एटलीस्ट स्टेट में कौन कौन सी टाइगर रिजर्व्स है, ओके। अब देखते हैं जो कंजर्वेशन एफर्ट लगाया जा रहा है इंडिया में, तो इससे क्या होगा, जो प्रोजेक्ट टाइगर है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इट मींस कि यहाँ पे आपका सेंट्रल और स्टेट दोनों का पार्टिसिपेशन रहेगा, और टाइगर प्रोजेक्ट जो है आपका चलते आ रहा है 1973 से, ओके। फॉर इन सीटू कन्वर्सेशंस कंजर्वेशंस ऑफ वाइल्ड टाइगर, ओके। जो जंगली टाइगर्स होते हैं जो आपको देखने को मिलेगा, जो बॉटनिकल गार्डन्स या जू वगैरह में रहते हैं, उनको कंजर्व करने के लिए। और यहाँ पे अगर हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर देखें तो ये कवरेज दिया है, और यहाँ पे 50 टाइगर रिजर्व्स जो है आज के डेट में है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के तहत देखें तो ये एक स्टैटटरी बॉडी है जो कि 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के अंडर में, ओके। और अगर हम लोग देखें तो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, यानी इंटेंसिव प्रोटेक्शंस और इकोलॉजिकल स्टेटस दिया गया है, यानी इसको हम लोग एम स्ट्रिप्स भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो कि आज के डेट में कितनी, ये क्या होता है ना एम स्ट्रिप्स की, इससे आपको पता चलेगा कि टाइगर की पॉपुलेशंस क्या है। जब टाइगर का सर्वे होता है ना कि टाइगर हमारे कंट्री में कितनी है, तो हर 4 साल में एक बार होती है, ओके। तो इसमें क्या होता है कि कैसे पता चलेगा आपको कि किस एरिया में टाइगर, हर कोई जाके काउंट थोड़ी करता है, काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगर आप हर पर्टिकुलर स्टेट में या नेशनल पार्क या फिर सेंचुरी में जाकर अगर आप काउंट भी कर लेते हो तो आप एग्जैक्टली नहीं समझ पाओगे ना। उतना तो आपको पता चलेगा कि हर स्टेट के सेंचुरी में इतनी थी, इतनी नेशनल पार्क में थी, इतनी बोटानिकल गार्डन में थी, ओके। लेकिन उसके अलावा भी तो है, वाइल्ड टाइगर भी तो है जो बाहर रहते हैं, तो उनके लिए क्या होता है ना, पग मार्क से पता चलता है। जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारा फिट का निशान होते जाता है ना, उसी तरीके से आपका एनिमल्स का भी होता है, वैसे ही टाइगर का भी होता है, कि वो जैसे जंगल में चलते हैं, फॉरेस्ट में चलते हैं, तो उनका पग मार्क होता है। तो पग मार्क को भी काउंट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट है या सेम टाइगर के हैं। हर एक टाइगर का ऑलमोस्ट थोड़ी सी डिफरेंट ही होती है, ओके। तो उस अनुसार जो है ना इसको पता किया जाता है। तो इसको पता करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिसको एम स्ट्रिप्स कहते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के बेसिस से क्या होता है ना कि ये पता चल पाता है कि इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइगर्स के कितने डिफरेंट पग मार्क है, तो उसको भी काउंट करके ऐड किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो फर्स्ट है कि ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया था 2008 में एज ए ग्लोबल अलायंस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, सिविल सोसाइटी भी होती है, कंजर्वेशन और साइंटिफिक कम्युनिटीज़ भी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी इंक्लूड होते हैं, जैसे आपको वर्ल्ड बैंक हो गई, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी भी हो गई। और इसका एम है कि वो एक साथ आकर वर्क करे, जिसके थ्रू वो जितनी भी टाइगर की पॉपुलेशंस है, चाहे वो वाइल्ड हो चाहे वो पेट हो, सारी टाइगर की पॉपुलेशंस को वो सेव कर सके, ओके। और इसमें स्नो लेपर्ड को भी इंक्लूड किया गया है, सिर्फ टाइगर को ही नहीं, स्नो लेपर्ड। और ये इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ में चल रही है। यानी इसमें कौन कौन सी कंट्री इंक्लूड है, तो बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। नेक्स्ट है कि ग्लोबल टाइगर फोरम, ये एक आपका ओनली इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था कुछ मेंबर्स कंट्रीज़ के साथ, जिसके थ्रू जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल कंपेन चलाया जाए।
TX2 अगर देखें तो ये 2010 की है, जिसमें कि सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन आया था टाइगर कंजर्वेशन के लिए, जो GTI के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था। ओके, कंजर्वेशन एस्योर टाइगर स्टैंडर्ड CA देखें तो यहाँ पे आपको न्यू ट्यूल दिखेगा जिसके थ्रू टाइगर कंजर्व मैनेजमेंट चलती है। ये एक सेट था क्राइटेरिया का, जिसमें कि अलाउ किया गया है कि जितने भी टाइगर साइट्स है उसको चेक करें और साथ ही उसको मैनेज भी करें कि कितने सक्सेसफुल टाइगर कंजर्वेशन आज के डेट में चल रहे हैं। ओके, अब वे फॉरवर्ड में क्या बताया जा रहा है कि अवेयरनेस होनी चाहिए टाइगर कंजर्वेशन के लिए। इसके लिए आपको डिस्कशन होगा करना होगा, एग्जीबिशंस लगाना होगा, लोकल कंपेन्स करना होगा और इस तरीके के अवेयरनेस को स्प्रेड करना होगा, जिसके थ्रू जो है जो लोग इलीगल हंटिंग करते हैं टाइगर की इलीगल ट्रेड करने के लिए जस्ट बिकॉज कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में टाइगर की क्या रोल है और हमारे कंट्री में टाइगर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए उनको सेव करना बहुत ज़रूरी है, कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। ओके, स्ट्रेंथन करना चाहिए कोई मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, जिसमें कि आपको एक अथॉरिटी हो जो कि सारे क्रूशियल एलिमेंट देखे कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो मैकेनिज्म है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए सोचना होगा, उसको भी इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छा मॉनिटर करना होगा। यहाँ पे इलीगल ट्रेड है जो इसको पूरी तरीके से स्टॉप करना होगा या बैन करना होगा या फिर इसके ऊपर जो है पनिशमेंट को इंक्रीज़ करना होगा। ओके, इन्वॉल्व होना चाहिए लोकल कम्युनिटीज़, अगर पीसफुल को एग्जिस्टेंस आप देखना चाहते हो या फिर किसी भी आप प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन बेटर देखना चाहते हो तो आपको लोकल कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि ये लोग की रोल प्ले करते हैं ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन में। रीलोकेशन देखें टाइगर का, तो अगर किसी भी कारण के वजह से, किसी भी रीजंस के कारण अगर टाइगर को रीलोकेट करना पड़ता है, यानी अपने उनका जो अपना खुद का जो हैबिटेट होता है उनसे हटाकर अगर उनको दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उनको वैसे ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। क्योंकि काफ़ी टाइम में क्या होता है ना कि टाइगर को अगर उनके खुद के हैबिटेट से डिस्प्लेस करके अगर आप दूसरी जगह ले जाओ तो वो मे बी वहाँ पर वो सेटल डाउन नहीं हो पाते, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनको उस तरीके की इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो ये सारी चीज़ वे फॉरवर्ड में बताया गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, ये है ग्रेट इंडियन बास्टर्ड। ओके, तो यानी ये न्यूज़ में क्यों था, एक रिसेंटली स्टडी निकल कर आया है जिसमें कि हमें पता चला है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पॉपुलेशन है वो भी कंटिन्यूसली कम होते जा रही है। यानी अगर 1260 से देखें तो ये टोटल पॉपुलेशन 1260 थी 1969 में, लेकिन अगर 2018 में देखोगे तो ये ऑलनी 200 है। यानी कितनी कम पॉपुलेशन हो गई है हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका जो आपका साइंटिफिक नेम है वो है आर्डियोटिस निग्रीसेप्स, ये भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है ऐसा। तो ये हेवीएस्ट बर्ड है, अगर हॉरिजेंटली बॉडी में देखें तो ये हेवीएस्ट बर्ड है और लॉन्ग लेयर लेग्स है, यानी इसकी इनकी ये जो बर्ड की जो लेग है ना वो बहुत लंबी है। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपकी बर्ड है, ओके, कोई एनिमल नहीं है। ओके, और इनकी जो लेग है वो बहुत बड़ी है, जैसे ऑस्ट्रिच की होती है। अगर हैबिटेट देखें तो ये एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड में रहती है, यानी इनको सूखा ज़्यादा पसंद है। ओपन कंट्री में रहती है जहाँ पे थॉर्न हो, स्क्रब्स हो, टॉल ग्रासेस हो, ओके, और ये अवॉइड करती है किसी इरिगेटेड एरिया में रहने के लिए। इनका जो एंडेमिक है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहती है, ये सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है, वेस्टर्न इंडिया में और ईस्टर्न पाकिस्तान में, तो ये आपको पता होना चाहिए। करेंटली अगर देखें तो ये पाया गया है 6 स्टेट हमारे कंट्री में। तो किस किस स्टेट में इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है, तो वो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो इनको स्केड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में रखा गया, और इनका अगर IUCN रेड लिस्ट के तहत देखें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्योंकि आप देख रहे हो पॉपुलेशन कितना कम हो गया है ना, 200 ही बची है आज के डेट में, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और इनकी जो लिस्ट की गई है वो आपको साइट्स में अपेंडिक्स 1 में देखने को मिलेगी। साइट्स क्या होती है इसको मैं अलग से एक बार आपको समझा दूंगी, क्योंकि ये आपको हमेशा देखने को मिलेगी एनवायरनमेंट सेक्शन में। और बोन कन्वेंशंस में भी इनको कंजर्व करने की बात की गई थी। बस्टर्ड स्पेसीज जो है इंडिया में पाई जाती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्रॉलिका और बंगाल फ्रॉलिकन और हबारा, ये सारी जो है आपको बस्टर्ड फैमिली से ही बिलोंग होते हुए दिखेगी। और ये सारी माइग्रेटिंग बर्ड्स है। माइग्रेटिंग स्पीसीज कहने का मतलब है कि दूसरी कंट्री से कोई एक पर्टिकुलर सीजन में दूसरी कंट्री से वो उड़कर हमारी कंट्री में आ जाती है, तो उनको माइग्रेटिंग बर्ड्स कहते हैं। इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम का, यानी GIB एक इंडिकेटर स्पेसीज है जो कि ग्रासलैंड हैबिटेट के लिए है। और यहाँ पे ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस देखने को मिलता है बहुत सारे इन्वायरमेंट से, जो कि अपनी डिट्रॉयशंस को शो करती है, यानी उनकी जो ख़त्म होने वाली है ना, उनकी स्पेसीज जो है आज के डेट में बहुत कम हो रही है। यहाँ पे कोई भी स्पेसीज नहीं है जो उनको रिप्लेस कर सके, ओके, क्योंकि इनकी खुद की ही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे कंट्री में, तो इनको कोई रिप्लेस करने वाला भी कुछ अल्टरनेटिव भी नहीं है। अगर थ्रेट देखें तो इनका हंटिंग होता है, पोचिंग होता है, हैबिटेट इरोशंस हो जाता है, ग्रीनिंग प्रोजेक्ट है जो कि ट्रांसफॉर्म करती है एरिड ग्रासलैंड को वुडेड
एरिया में, और इनको इनका जो लैंड का जो चेंजिंग है ना वो भी आपका यूज़ होता है, और देखने को मिलेगा कि ग्रास लैंड से फार्म लैंड में बन जाता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम है, थ्रेट है इनको आज के डेट में, इनके पॉपुलेशंस को। कंजर्वेशन स्टेप्स देखे तो इंडियन ग्रेट जो आपका बस्टर्ड है, इसको पॉपुलरली क्या कहा जाता है, गोडावन या राजस्थान की स्टेट बर्ड है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है। और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट गोडावन। ओके, इनमें क्या था कि डेजर्ट नेशनल पार्क में जो भी कंजर्वेशन की प्रोजेक्ट थी वो चलाई जा रही थी जैसलमेर में, और इसमें एक स्पेसिस थी जो कि रिकवरी प्रोग्राम के तहत इनमें काम किया जा रहा था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट के अंदर। अब देखते कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट है क्या, तो ये आपका एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों पार्ट लेते हैं, दोनों फंड प्रोवाइड करते हैं, फिनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस जो है स्टेट को दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। और अगर बस्टर रिकवरी प्रोग्राम देखें तो ये आपका लिंक किया गया था लोकल लाइवलीहुड के तहत, और ये प्रॉफिटेबल और इक्विटेबल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू शेयर किया जाता है जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है इको टूरिज्म से लेकर लोकल कम्युनिटीज़ तक। अगर इफेक्टिव कंजर्वेशन देखें तो यहाँ पे गाइडलाइन जो है वो डायरेक्ट दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट से लेकर, जिसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है कोर ब्रीडिंग एरिया। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर कन्वेंशंस देखें जो कि कंजर्वेशंस ऑफ माइग्रेटरी स्पेसिस ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल, और इसको बॉर्न कन्वेंशंस भी कहते हैं, बॉर्न कन्वेंशंस में आपका जो भी माइग्रेटिंग स्पेसिस होती है, माइग्रेटिंग बर्ड्स होती है, उनको कंजर्व करने की बात रखी गई थी। ये एकमात्र ऐसा कन्वेंशंस है UNEP के तहत जिसमें कि जो भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड किया गया है, जिसके थ्रू कंजर्व कर सकते हैं हम लोग, सस्टेनेबल यूज़ कर सकते हैं जो भी माइग्रेटिंग एनिमल्स है और उनके हैबिटाट है। माइग्रेटिंग स्पीसीज जो है वो थ्रेटेंड होते हैं और उनका जो है लिस्ट किया गया है अपेंडिक्स वन इस कन्वेंशन में। ओके, तो इनके बारे में देखिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन। तो ये काफ़ी न्यूज़ में थी, आई होप आप लोग ने भी पढ़ा होगा। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि एक स्टडी हुआ था जिसमें कि देखने को मिला था कि सैलिनिटी बहुत राइज हो गई है सुंदरबन रीजन में। ये सुंदरबन आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल के अगल बगल है, ये सुंदरबन मैंग्रोव्स भी है, जिसमें क्या हुआ था ना कि इसकी जो गैंगेस रिवर डॉल्फिन है इनकी पॉपुलेशंस डिक्रीज़ हो गई थी। सैलिनिटी इंप्रूव होने का क्या मतलब है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, इसके कारण टेम्परेचर बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही क्या होता है कि वाटर वेपर की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ने लगती है। अगर वाटर वेपर बढ़ने लगे तो वाटर में सिर्फ नमक रह जाती है, यानी वाटर में नमक की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो उस एरिया को हम लोग सैलिनिटी कहते हैं। ओके, तो सैलिनिटी इंक्रीज़ होने के कारण जो ये डॉल्फिन है इनकी पॉपुलेशंस कम हो रही है। अब देखते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में। तो ये रहती कहाँ है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रीजन में रहती है और कर्णफुली संगू रिवर सिस्टम में रहती है, जो कि नेपाल इंडिया और बांग्लादेश में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो कि पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, और 3 जो है आपका यांगस्टांग रिवर जो कि चाइना में है, भूलान जो कि इंडस है पाकिस्तान में, और बोटो जो कि अमेजॉन रिवर आपका लैटिन अमेरिका में देखने को मिलेगा। ये एक तरीके का रिवराइन इनकी हैबिटेट है, यानी ये वाटर में ही रहना पसंद करती है और ब्रैकिश वाटर में ये पाया जाता है। एक तरीके का ये मैमल है और ये वाटर के अंदर ब्रीथ नहीं करती, इनको ब्रीथ करने के लिए बाहर आना पड़ता है। ओके, और ये हर 30 to 120 seconds में बाहर आती है, क्योंकि इनका साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है जब ये ब्रीथ करती है बाहर आकर, तो इनका एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो एनिमल जो है ना इनको रेफर क्या करते हैं, इनका पॉपुलरली नाम है सुसु। ओके, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो वेल फिश भी होती है, बड़ी बड़ी जो भी मछलियाँ होती है, वो अंडर वाटर ब्रीथ नहीं करती है, वो ब्रीथ करने के लिए हमेशा 30 to 60 seconds में वो बाहर आती है। तो बाहर आके जब वो ब्रीथ करती है ना, तो उनका एक साउंड निकलता है, तो साउंड निकलने के कारण इनका नाम रखा गया सुसु। ओके, कंजर्वेशन स्टेटस अगर देखें तो ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है जो कि ग्रांट करती है नॉन ह्यूमन पर्सन सूट स्टेटस, और ये 2017 में गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। अगर इसकी प्रोटेक्शंस की बात करें तो ये स्केड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत यहाँ पे इसकी इंक्लूजन है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो कि बिहार में है, वो इंडिया का ओनली एक सेंचुरी है जहाँ पे गैंगेटिक डॉल्फिन आपको देखने को मिलेगा, और ये कैटेगरी है इनडेंजर्ड IUCN रेड लिस्ट में। ओके, तो ये सारी आपको जितनी भी मैं स्पेशीज़ के बारे में बता रही हूँ, आपको एक जगह नोट डाउन करके रखना होगा कि कौन सी स्पेशीज़ IUCN रेड लिस्ट में किस पोजिशंस पर है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा किसी भी एग्जाम में, इवन UPSC प्रीलिम्स में भी इस तरीके की क्वेश्चन पूछी जाती है। ओके, क्योंकि ये हमारा इन्वायरमेंट जो है सिलेबस में इंक्लूडेड है, और इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि कौन सी स्पीसीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है या कौन सी स्पीसीज की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। ओके, तो ये आपका लिस्टेड है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड जो कि साइट्स में है। साइट्स की फुल फॉर्म क्या होती है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इनडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ओके, तो इसके अपेंडिक्स 1 में भी इसको इंक्लूड किया गया है। और जो प्रेजेंस है डॉल्फिन का रिवर सिस्टम में,
वो आपको सिग्नल देगा कि एक हेल्दी इकोसिस्टम है। यानी अगर किसी भी रिवर सिस्टम में आपको डॉल्फिन देखने को मिलेगी तो वो इकोसिस्टम आपकी हेल्दी होगी। ओके, अब मैं बोल रही थी कि मैं नेक्स्ट कभी बताऊंगी, लेकिन यहीं पे आपको साइट्स देखने को मिलेगी, तो चलिए आपको बता देती हूँ। पता करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको इन्वायरमेंट के हर एक सेक्शन में ये दिखेगी। तो ये एक तरीके का इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि गवर्नमेंट और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हुआ था 1963 में, जिसमें कि काफ़ी मेंबर्स के साथ मीटिंग होती है, और ये आपका होता है जो मेंबर है IUCN उनके साथ इसमें मीटिंग की जाती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहाँ पे इंश्योर्स किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड होती है स्पेशीज मैन के लिए, जैसे आपका वाइल्ड एनिमल हो गई या प्लांट हो गई। ओके, अगर साइट्स रेगुलेशंस देखें तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हर स्पेसीज को अपेंडिक्स दिया गया है, जैसे हम लोग Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3 कहते हैं ना, तो वैसे ही ये Appendix 1, Appendix 2, Appendix 3 है। इसमें इंक्लूड किया गया है वो स्पेसीज जो थ्रेटेंड है, यानी उनकी जो पॉपुलेशन है वो अब ख़त्म होने वाली है, तो उनको इसमें रखा गया अपेंडिक्स वन में। जैसे आप देख सकते हो टाइगर है, जो हिमालयन ब्राउन बियर है, एलिफेंट है, और टिबेटन एंटेलॉप है। ओके, अगर अपेंडिक्स टू की बात करें तो यहाँ पे उन स्पीसीज़ को इंक्लूड किया गया है जो ज़्यादा एक्सटिंक्ट होने की बात नहीं हो रही है, यानी उनकी पॉपुलेशन कम तो हो रही है लेकिन ख़त्म नहीं होगी, तो उनको अपेंडिक्स टू में रखा जाता है। जैसे आपका यहाँ पे हिपोपोटामस, ओके, और ग्रे वॉल्फ, ये सारी है। अगर 3 की बात करें तो इसमें वो इन स्पीशीज़ को इंक्लूड किया गया है जहाँ पे कंट्री को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप कुछ अदर कंट्री के साथ कॉरपोरेशंस करें और इलीगल एक्सप्लॉयटेशंस को प्रिवेंट करें। ओके, यानी जो भी एनिमल्स या स्पीशीज़ की इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे इलीगल पॉचिंग होती है, इलीगल आपकी हंटिंग होती है, इलीगल ट्रेड होती है, तो इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करें। तो ऐसा क्या हो सकता है कि इंडिया जो है दूसरे कंट्री, ओके, जैसे हम लोग अमेरिका के साथ एसिटिन लाइन और अफ्रीकन लाइन थी, तो अफ्रीका के साथ हम लोग मिलकर ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग अपने लाइन की स्पेसिस को जो इलीगल ट्रेड हो रही है, इलीगल हंटिंग हो रही है, इलीगल पोचिंग हो रही है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो इसको IUCN आपका Appendix 3 में देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो रीज़न क्या मेंशन किया गया है जिसके थ्रू जो ये रीज़न आपकी पॉपुलेशन से वो कम हो रही है, तो फर्स्ट रीज़न है कि हाइपर सेलाइन जोन। अगर सुंदरबन में देखें तो यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि सेलाइन जोन ज़्यादा हो गई, जिसके कारण जो है ये गैंगेटिक रिवर जो आपकी डॉल्फिन है उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है, और क्योंकि यहाँ पर आपका सी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है। हाइड्रोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस देखे, जैसे वाटर डाइवर्जन हो गई, डीपनिंग हो गई, वाइडनिंग हो गई, या फिर स्ट्रेटनिंग हो गई, जो भी वाटर वेज है। अगर कुछ अदर रीजंस देखे तो यहाँ पे पॉल्यूशंस है ऑब्वियस, और साथ में जो डॉल्फिन ऑयल को मारा जाता है, जैसे डॉल्फिन को मारा जाता है डॉल्फिन ऑयल्स के लिए, डॉल्फिन ऑयल्स आपको देखने को मिलेगा काफ़ी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है, काफ़ी आपका मेडिसिन में भी यूज़ होता है, तो इसलिए डॉल्फिन को उसमें मारा जाता है। ओके, और काफ़ी गिलनेट्स में भी बाइकैच हो जाती है, जैसे मछली पकड़ने के लिए जो मछुआरे होते हैं, फिशरमैन होते हैं, वो नेट फेंकते हैं ना, गिलनेट्स, उसको गिलनेट्स बोलते हैं, बड़ी बड़ी जो नेट फेंकते हैं, तो उसमें समटाइम्स ऐसी होती है ना कि कुछ डॉल्फिन्स भी उसमें कैच हो जाती है और वो उसमें फंस जाती है और मर भी जाती है। ओके, अब कंजर्वेशन एफर्ट क्या लगाया जा रहा है कि एक कंजर्वेशन एक्शन प्लान देखने को मिलेगा जो गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए चलाया जा रहा है 10 साल का, 2010 से 2020 के लिए, और यहाँ पे आपका ये वर्क करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के तहत। यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस दी गई है, जैसे कि पोटेंशियल साइट्स होना चाहिए डॉल्फिन कंजर्वेशंस के लिए। ओके, साथ में यहाँ पे नायलन मोनोफिलामेंट्स की भी यूज़ होनी चाहिए, जिसके थ्रू जो आपका फिशिंग गिलनेट्स है उसमें अगर उसको बैन करना चाहिए, और क्रिटिकली जो वाटर फ्लो या फिर मिनिमम डेप्थ होना चाहिए जिसके थ्रू जितनी भी रिवर डॉल्फिन है ना वो उसमें पता चल पाए। ओके, ऐसी गिलनेट्स होनी चाहिए कि अगर आप फिश के साथ कुछ डॉल्फिन को भी पकड़ लियो, क्योंकि फिश की साइज़ और डॉल्फिन की साइज़ देखे तो उसमें तो डिफरेंस आएगी ही ना, तो इसमें फिशरमैन को पता होना चाहिए कि इस नेट में आपने डॉल्फिन को कैच कर लिया है क्या गलती से, अगर कर लिया है तो उसके लिए कुछ और प्रोविजंस, या तो उनको छोड़ दे या तो फिर उसके लिए कुछ और प्रोविजंस करें। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो काफ़ी सालों से चलते आ रहा है, इसमें गंगा रिवर को क्लीन करने की बात की जा रही है, और इसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशंस की बात की जा रही है, और इसी में आपका एक प्रोजेक्ट भी है गंगा रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन एक्शन प्लान, जिसके थ्रू जो गंगा में रहने वाले डॉल्फिन्स है उनको भी बचाना और उनको भी कंजर्व करना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रैट होल माइनिंग। आई होप ये आप सुने होंगे, क्योंकि मेघालय में रैट होल माइनिंग के कारण बहुत लोगों की जान चली गई थी, तो काफ़ी न्यूज़ में था। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि मेघालय ईस्ट जांतिया हिल्स में कोल माइंस, जिसमें कि 15 वर्कर्स जो थे वो ट्रैप्ड हो गए थे। रैट होल माइनिंग का मतलब है कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि चूहा का जो होल होता है, चूहे लोग कितनी कम होल में वो लोग अंदर चले भी जाते हैं, उससे बाहर आ जाते हैं, यानी उतनी कम होल करके जो है ना लोग उसमें घुसते हैं और कोल की माइनिंग करते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है ना कि समटाइम्स किसी अनफॉर्चुनेट कंडीशंस के कारण वो ट्रैप हो जाते हैं या फिर उसी में फंस के रह जाते हैं। ओके,
तो ऐसा कुछ हुआ था जो कि बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई थी। अब देखते हैं रैट होल माइनिंग कहते क्या है। तो इसमें स्मॉल टनल्स को जो है ना डिग करते जाते हैं, यानी उसको गड्ढा करते जाते हैं। यूजुअली कितना, तो 3 से 4 फीट वो हाई डिग कर लेते किसी पिनर के हेल्प से। यानी यहाँ पे अगर कोलैप्स हो गया तो उसको प्रिवेंट भी नहीं किया जा सकता है इस तरीके से। और जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने 2014 में इस तरीके की जो आपकी कोल माइनिंग होती है, रैट होल माइनिंग, उसको बैन कर दिया था। और यहाँ पे कहा था कि ये अनसाइंटिफिक और अनसेफ है वर्कर्स के लिए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने ये अपील किया था ये सुप्रीम कोर्ट में कि इस तरीके के बैन को हटा दिया जाए। तो बैन के बाद भी क्या हुआ ना कि ये प्रिवेलेंट रहा, ये प्रोसीजर चलता रहा कोल माइनिंग के लिए, स्पेशली मेघालय में तो चलता रहा, इसलिए आपको याद रखना है। ओके, और इकोनॉमिकली देखें तो मेघालय जो है थोड़ी सी पीछे है, तो वहाँ पे लोग जो वर्कर्स होते हैं वो काफ़ी गरीब होते हैं। तो चंद पैसों के लिए वो लोग ऐसा ऐसा काम करने लगते हैं जिसमें उनकी जो लाइफ है ना वो हैम्पर हो जाती है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं कि रैट होल माइनिंग का क्या है। तो सबसे पहला है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। यहाँ पे क्या होता है कि जो कोपीली रिवर है, ये आपका मेघालय से होके असम में बहती है, तो ये एसिडिक हो गई है, काफ़ी एसिडिक हो गई है इसकी वाटर। ओके, पॉल्यूशंस देखें तो यहाँ पे रोड साइड जो है ये आपका कोल के कारण काफ़ी एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशंस होती है। एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ वर्कर्स होती है, यानी यहाँ पे मैक्सिमम माइनिंग की जाती है मेघालय में, जो कि रैट होल माइनिंग के तहत होती है। लेकिन यहाँ पे वर्कर्स जो है ना उनकी लाइफ डेंजर में पड़ जाती है। अगर लाइफ को देखें तो यहाँ पे रिस्क में है, यानी रैट होल माइंस जो है ये बिना किसी सेफ्टी मेजर्स को लेकर किया जाता है, जिसके थ्रू जितने भी माइनर्स लाइफ है ना वो काफ़ी हाई रिस्क में हो जाते हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फ्यूलिंग इलीगल एक्टिविटीज़ है, यानी इलीगल मनी जो है अर्न किया जाता है अनलॉफुल माइंस के कारण। अगर देखें तो यहाँ पे इंकरेज किया जाता है चाइल्ड लेबर को भी। अगर शिलोंग के बेस्ट एनजीओ के अकॉर्डिंग देखें तो रैट होल माइनिंग्स में 70,000 चाइल्ड लेबर्स भी है, यानी यहाँ पे जो चाइल्ड लेबर है उसको भी यहाँ पे इंकरेज किया जाता है। तो वाई डज़ इट कंटिन्यू, ये इतने बैन होने के कारण, इतनी सारी इंसिडेंट्स होने के कारण, इतनी सारी जो है अनफॉर्चुनेट कंडीशन अकर होने के कारण भी इसको कंटिन्यू क्यों रखा गया। तो सबसे पहला है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी यहाँ पे मैक्सिमम पॉलिटिशियंस जो है या तो वो माइंस को ओन करके पैसा कमाते हैं या तो वो अपनी स्टेक लगाते हैं। ओके, पॉपुलेशन में देखें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे 2.5 लाख पीपल्स है जो कि डिपेंडेंट है रैट होल माइनिंग इकोनॉमी में। लैक ऑफ एडिक्वेट पॉलिसी है, यानी एनजीटी जो है वो पता की है कि मेघालय माइंस और मिनरल जो पॉलिसी 2012 की है वो पूरी तरीके से इनएडिक्वेट है, यानी वो कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे पॉलिसीज़ जो है वो एड्रेस करती है रैट होल माइनिंग को, और यहाँ पे स्टेट्स जो है वो स्मॉल और ट्रेडिशनल सिस्टम को चलाते हैं जो कि माइनिंग होती है लोकल पीपल्स के द्वारा। यहाँ पे आपका वॉयलेंस का यूज़ होता है जो कि माइनिंग माफिया के थ्रू। अगर एनीवन जो रिपोर्ट करना चाहते हैं इस तरीके की इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़, तो उनके साथ काफ़ी दुर्घटना भी हो सकती है। यहाँ पे अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है नहीं है, लैक ऑफ कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, यानी यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी लोग जो है इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लैक ऑफ मॉनिटरिंग है, यानी पे जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है वो चारों ओर स्प्रेड हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पे मॉनिटर करने वाला कोई लोग नहीं है, कोई इसको रेगुलेट नहीं करता, मॉनिटर नहीं करता, जिसके कारण क्या होता है कि इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ चलते रहती है। लीगल फ्रेमवर्क देखें तो माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है वो आपका स्टेट सब्जेक्ट में आता है, लेकिन जो माइंस वर्कर की जो सेफ्टी की बात है वो सेंट्रल सब्जेक्ट के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इस तरीके की सेफ्टी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मिसयूज़ हो रहा है जो 6th स्केड्यूल प्रोविजन है, यानी जो हमारे 6th स्केड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो यहाँ पे जो भी कम्युनिटीज़ ओनरशिप्स है उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, और कम्युनिटीज़ की ऑटोनॉमी और उनके जो कोल के नेचर है उनको भी कंजर्व करने की बात की जाती है, लेकिन ये सारी जो है मिसयूज़ हो रही है। ओके, तो ये सारी बात है जो आपको देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि एडवांटेज क्या है रैट होल माइनिंग का। तो यहाँ पे है कि लेस कैपिटल इंटेंसिव है, यानी इस तरीके की माइनिंग जो है जब किया जाता है साइंटिफिक वे के तहत, तो यहाँ पे सुटेबल इक्विपमेंट जो है वो आपका बहुत ही कम होगा कैपिटल इंसेंटिव्स, यानी यहाँ पे खर्चे बहुत कम होते हैं। लेस पॉल्यूटिंग है, यानी यहाँ पे बिग माइंस फील्ड के अगर देखें उसको छोड़कर देखें तो ये जो है आपका पॉल्यूशंस कम फैलाता है। ईजी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, यानी रैट होल माइनिंग जो है एक ईजी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देता है पीपल्स को, अपने आप वो काम करने आ सकते हैं। कोल माइंस सेफ्टी, अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो ऑपरेशंस हो रही है कोल माइंस की वो माइंस एक्ट 1952 और माइंस रूल 1955, कोल माइंस रेगुलेशंस 1957 के तहत यहाँ पे रेगुलेट की जाती है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी की बात करें तो ये वर्क करती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत। साथ ही अगर एक और रीजंस देखें क्यों जो है कोल माइंस इनैक्ट हुआ था 1973 में, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कोल माइंस जो है वो इसको टेक ओवर किए थे। फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स देखने को मिला है रिसेंट ईयर, जो कि ह्यूमन राइट कमीशंस भी ऐसा कहे 2014 में कि इस तरीके की माइंस को जो है माफ
बैन कर देना चाहिए। ओके, जब ये आता है कोल माइंस एक्सीडेंट के तहत, तो इंडिया जो है हायर प्रोपोर्शन है डेथ का जो कि देखने को मिलता है स्ट्रेटा फॉल्स के कारण। यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लोसिव्स होती है और काफ़ी यहाँ पे लोगों की जान भी जाती है। ओके, तो इस चीज़ में भी इंडिया सबसे ऊपर है। तो ये तो रही सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ये आपका कोल माइन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये सेक्शंस हमारा कंप्लीट होता है, तीन पार्ट में आपका ये इन्वायरमेंट की सेक्शंस आई है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक पोर्शंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो गाइस ये हमारे लेसन्स की एंड है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको अगर कोई भी डाउट क्वेरीज या फिर कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।